विद्या एजुकेशन सोसाइटी की ओर से प्रधान विजय पासी की अध्यक्षता में मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई ताकि वो अपनी शिक्षा को बिना किसी रुकावट पूरा करें और सोसाइटी में अपना योगदान दें। विद्या एजुकेशन सोसाइटी जो कि हमेशा ही महिला उत्थान के लिए कार्यरत रहती है, विद्या एजुकेशन सोसाइटी को पिछले 35 सालों से लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रही है। हमने कई बच्चों को डॉक्टर बनाया, कई बच्चों को इंजीनियर बनाया, कईयों को एमएड कराई। ये सभी काम जो हम कर रहे हैं ये अपने मेंबर के सहयोग से कर रहे हैं। हम इन बच्चों के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, ये बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। इनको प्रोत्साहित करने के लिए विद्या एजुकेशन सोसाइटी इनको अडॉप्ट करती है और स्कॉलरशिप देती है। हम इन बच्चों से सिर्फ एक ही चीज़ की आशा रखते हैं कि जब ये अपने किसी जॉब पर लग जाएँ तो इसी प्रकार एक एक बच्ची को अडॉप्ट करें और उसकी एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दें ताकि जो हमारी लड़कियों को शिक्षित करने की चेन है वो आगे इसी प्रकार चलती रहे। विद्या एजुकेशन सोसाइटी जहां लड़कियों को शिक्षित करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहती है, उसी के साथ साथ जो स्पोर्ट्स में बच्चे बड़ी लड़कियां अच्छी होती हैं उनको भी स्कॉलरशिप देते हैं। हमारे साथ साथ हम स्कूलों कॉलेजों में जाकर ट्रैफिक सेमिनार लगाते हैं क्योंकि आजकल के वक्त में एक या एक बच्चा होता है, इसलिए विद्या एजुकेशन सोसाइटी लड़कियों के स्कूलों कॉलेजों में जाकर ट्रैफिक सेमिनार लगाती है और वहीं उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाती है। विद्या एजुकेशन सोसाइटी ये जितने भी काम कर रही है अपने मेंबर के सहयोग से कर रही है। मैं अपने मेंबर्स का बहुत आभारी हूँ जिनके सहयोग से विद्या एजुकेशन सोसाइटी शहर में लोगों की सेवा कर रही है। जय हिंद। विद्या एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान मिस्टर विजय पासी जी और उन्होंने पूरी टीम वालों आज एक NCC की स्टूडेंट जी है जी कि बहुत इंटेलीजेंट है उन्होंने स्कॉलरशिप दी हैगी है। असी वो ये पिछले 35 साल तो विद्या एजुकेशन सोसाइटी ये काम कर रही है जिथे कि इनका मेन मोटिव यह है बच्चियों को एजुकेट करना, उसके नाल स्कूलों कॉलेजों में जाकर उन्होंने ट्रैफिक सैमीनार लगाती है, उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनाती है, विडोज लेडी राशन देती हैगी है, लड़कियों की शादी के उत्ते राशन देती हैगी है। विद्या एजुकेशन सोसाइटी ये सारा काम अपने मैंबर के सहयोग ना कर रही है। असी सिर्फ तो सिर्फ ये बच्चों को यही एक्सपैक्ट करते हैं कि जो ये पढ़ लिख के अपने पैरों पर लग जा रुजगार से लग जा विद्या एजुकेशन सोसाइटी इस चेन में बरकरार रखन और ये चेन जी इदा ही चलती रहे। जय हिंद। एजुकेशन सोसाइटी का जो आज यहाँ पर एक बच्चों को होनहार इंटेलिजेंट स्पोर्ट्स में चाहे एजुकेशन में हो उनको प्रोत्साहित किया गया है, ये विद्या एजुकेशन सोसाइटी का मदर प्रोजेक्ट है। लड़कियों को अपलिफ्ट करना मोदी जी के कहने के मुताबिक ये कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तरह शहरवासियों का भी फर्ज बनता है कि ऐसी संस्था को सपोर्ट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं लड़कियां चाहे वो सिलाई के फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हो, चाहे कोई भी लड़कियों का काम हो, राशन देना नीडी वुमेन को, ये सारा काम एजुकेशन सोसाइटी कर रही है। इसके मेंबर जो आप देख रहे हो सारे ही बहुत शहर के जाने माने लोग हैं और उनके सहयोग से ही कर रही है। हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ें और इस प्रोजेक्ट को लार्ज स्केल पर बड़ा किया जाए। मैं पासी जी के लिए भी, डॉक्टर साहब बैठे हैं, केवल जी हैं, बाकी सारी संस्था खोसला जी हैं, सब के लिए दुआ करता हूँ कि इनकी लंबी उम्र हो और इनको इस मुकाम पर जे पहुंचे कि जबरदस्ती पैसे इनकी जेब से निकले और इन बच्चों की मदद की जा सके। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।